फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे पास दो माइक्रोस्कोप है। ये 4 इंच की स्क्रीन वाला एक माइक्रोस्कोप है डिजिटल जूमिंग के साथ, और ये दूसरा एक माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑप्टिकल जूम है, और उसमें HDMI आउट और VGA आउट से हम आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोनों में क्या स्पेसिफिकेशन है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं, परफॉर्मेंस लेवल पे भी डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो है जिसमें 4 इंच का स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे ये उसका लेंस है जो यहाँ से हम उसको जूम कर सकते हैं। यहाँ से उसमें 2 LED स्पॉटलाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, जिससे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कर सकते हैं। और इसमें इस जगह पे मेमोरी स्लॉट लगा हुआ है, माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे इसका फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करना है तो उसमें सेव हो सकता है। तो इसको हम ऑन करते हैं यहाँ से, ये भी इसका लाइट ऑन हो गया, और ये भी ऑन हो गया है। यहाँ पे भी उसका पावर बटन है, यहाँ से भी इसको पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये उसका जूमिंग के लिए है, यहाँ पे जूमिंग के लिए अप डाउन बटन दिए हुए हैं, ये ओके बटन है कुछ भी सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे कैप्चरिंग के लिए स्विच दिया है कि करंट स्क्रीन का कैप्चर जो है वो मेमोरी कार्ड में आ जाएगा। अभी मेमोरी नहीं है इसलिए यहाँ पे नो कार्ड का मैसेज आ गया है। यहाँ पे लाइट, एक लाइट यहाँ पे भी दी गई है लेंस में यहाँ पे, तो उसको डिम करने के लिए यहाँ पे उसका डिमर दिया गया है, इस जगह से उसको लाइट जो है डिम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं परफॉर्मेंस PCB रख के। यहाँ पे ये मैंने PCB रखा है, टिकॉन बोर्ड है, तो उसको हम पहले फोकस करके देखते हैं कि ये देखिए इसमें यहाँ पे कोई IC का नंबर रीड करना है या तो कोई कंपोनेंट जो है उसमें कोई फायरिंग वगैरह चेक करना है या ट्रैक्स चेक करने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसका डिस्प्ले यहाँ पे आप 4 इंच की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लाइट वगैरह ऐसे एडजस्टेबल लाइट है, तो लाइट यहाँ पे ऐसे मूव करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ का लाइट जो है वो भी आप ऑब्जेक्ट के अनुसंधान में इसको आप सेट कर सकते हैं लाइट जो है वो। तो इसमें जूमिंग जो है हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, ये मैंने जूम आउट कर दिया अभी, और जो थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं, और उसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप को थोड़ा नज़दीक भी लेके जाना पड़ेगा लेंस को। ये मैंने फोकस किया तो यहाँ पे अभी ये उसका जूमिंग दिखा रहा है, मैक्सिमम जूमिंग जो है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे PCB जो है आपको फोकल लेंथ थोड़ी यहाँ पे कम मिलेगी हाई जूमिंग में, ये यहाँ पे अभी ये मैक्सिमम इसका जूम हो गया, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको इतना जो है जूमिंग जो है वो आपको दिखाएगा। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप हुआ। इसके बाद में ये वाला जो माइक्रोस्कोप है उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस है। इसमें ये पूरा उसका स्टैंड दिया गया है, जिसमें ये उसका लेंस है और ये ऑप्टिकल लेंस है इसका, ऑप्टिकल जूमिंग के साथ। यहाँ पे VGA आउट और HDMI आउट दिया गया है यहाँ पे। ये उसके सारे फंक्शंस है जिसको मेनू वगैरह हम सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये वाइट बैलेंस, वो सारा कुछ यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये LED लाइट दी गई है, जिसमें LED पूरा यहाँ पे रिंग है पूरा LED का, और उसका डिमर है यहाँ पे, जितना चाहिए उतना डिमर जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये उसका डिमर हुआ। इसके ऊपर हम PCB रख के देखते हैं।
तो ये मैंने सेम पीसीबी जो है यहाँ पे रखा है, जो हमने उस वाले माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा था। यहाँ पे मैंने ये पूरा आईसी इसमें कवर कर रहा है, जैसे ये पूरा आईसी इसमें कवर हो रहा है। तो इसमें आप एक्सटर्नल स्क्रीन लगा के बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका पीसीबी जो है वो किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है, कोई भी ट्रैक ऑब्जर्व करना है, कंपाउंड ऑब्जर्व करना है, आईसी का नंबर रीड करना है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ जो है वो क्लियरली दिखेगा। यहाँ से उसका जूमिंग होगा, अभी मैं जूमिंग बढ़ा रहा हूँ, ये तो मिनिमम जूमिंग था, तो मैं मैक्सिमम जूम कर रहा हूँ अभी इसको। अभी ये जूमिंग कर दिया मैंने मैक्सिमम, और इसको फोकस बैलेंस कर दिया। मैक्सिमम जूमिंग करने के बाद मैं ये फोकस जब कर रहा हूँ तो ये आपको मैक्सिमम व्यू दिखा रहा है, मैक्सिमम जूम व्यू दिखा रहा है। तो ये पर हर एक कंपोनेंट जो है, ये छोटा सा रजिस्टर है, R60 लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा रजिस्टर भी पूरी स्क्रीन में ऐसे जूम करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब काफ़ी जूमिंग मिलता है। और फाइनल जूमिंग के बाद भी यहाँ पे फोकल लेंथ मैक्सिमम रहती है, जिससे अगर कुछ भी वहाँ पे काम करना है, कोई भी सोल्डर आयरन से यहाँ पे सोल्डरिंग करना है या कुछ भी मल्टीमीटर से चेक करना है, तो भी आप यहाँ से इजीली आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर फोकल लेंथ काफ़ी है, तकरीबन 4 इंच के आसपास इसकी फोकल लेंथ है मैक्सिमम जूमिंग के बाद, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है काम करने के लिए। मैं इसका जूम जो है अभी कम कर देता हूँ, तो ये मैंने मिनिमम जूम कर दिया। तो मिनिमम जूम के बाद भी ये आपको इतना जूम मिलेगा यहाँ पे, ये पूरा आईसी पूरी स्क्रीन में दिख रहा है बराबर। तो काफ़ी हैवी जूमिंग है और क्लियरिटी भी काफ़ी है। इसमें 200x जूम रहता है। यहाँ पे उसके मेनू बटन्स दिए हैं, जिससे कि कोई भी सेटिंग जो करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पिक्चर मोड है, उसमें यहाँ पे ब्राइटनेस, शार्पनेस, सिचुएशन, ऑटो वाइट बैलेंस, सारा कुछ जो है दिया गया है। यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं आप, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर जो है उसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे बराबर। तो ये सारे फंक्शन भी दिए गए हैं, वाइट बैलेंस वगैरह सब, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वो सारा कुछ उसमें दिया गया है। तो यहाँ ये सेटिंग्स जो है उसके अंदर, ये लैंग्वेज सेटिंग हुआ, ये हॉरिजॉन्टल मिरर, यानी कि आपको स्क्रीन जो है वो आप आउटपुट जो है उसको मिरर कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए रिवर्स हो गया, ये अभी जैसे यहाँ पे इसको चेंज करते हैं तो ये मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर हुआ, यहाँ पे ये वर्टिकल मिरर है, ये वर्टिकल मिरर का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे ये कंपेरिजन के लिए है, ये कंपेयर बटन जो है उसको आप कर देते हैं तो ये स्क्रीन आपका कैप्चर हो जाता है, हाफ स्क्रीन जो है कैप्चर हो गए, यहाँ पे हाफ स्क्रीन जो है वो स्टेबल हो गया। फिर आप ऑब्जेक्ट हटा लेंगे तो भी वहाँ पे स्क्रीन जो है वो एज इट इज़ रहता है, और फिर आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है तो वो चेंजेस करके फिर आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे उसका कंपेयर कर सकते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में। या तो मानो कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना है तो वो इस प्रकार से भी आप हाफ स्क्रीन जो है वो स्टिल करके आप ये कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन के लिए ये फंक्शन बहुत काम आता है, कोई भी चेंजेस करने के बाद दोनों का पहले कैसा था और अभी ये काम करने के बाद कैसा है, उसका कंपेरिजन जो है यहाँ पे हम लाइव कर सकते हैं। तो ये उसका कंपेरिजन के लिए है जो यहाँ सेटअप फंक्शन में आता है। तो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, ये कंपेरिजन ऑफ कर दिया तो वापस जैसे नॉर्मल था वैसे हो गया। ओके, तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये कलर लाइंस जो है, यहाँ पे ये लाइन ग्रुप आ गया जिसमें आप इसकी वैल्यू बढ़ा के, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ दिखेगा, ये देखिए ग्रिड दिखेगी यहाँ पे, ये ग्रिड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। सॉरी, सेटअप क्लोज हो गया, मुझे वापस ऑन करना पड़ेगा, ये सेटअप मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे ये लाइन ग्रुप जो है वहाँ से आप उसको ग्रिड जो है वो बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस का ग्रुप बढ़ा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रुप है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
वो यहाँ पे कम ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ इसमें फंक्शंस दिए हैं। अभी मैं इसको वापस ज़ीरो कर देता हूँ, सारा ज़ीरो हो गया। अभी लाइन जो है वो सारी निकल गई, ग्रिड निकल गई। तो उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइन कलर्स में से रेड कलर या दूसरा कोई भी कलर जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसका। तो इस प्रकार से इसमें बहुत कंफर्टेबल काम करने के लिए काफ़ी फंक्शंस दिए हुए हैं। तो बड़ा काम छोटे छोटे पीसी छोटे कंपोनेंट के ऊपर भी अगर काम करना है तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेनली क्या होता है कि अभी जो LCD LED TV के टेक्नीशियंस हैं उसको पैनल के ऊपर CKV लाइंस जो रहते हैं वो कटिंग करने के लिए काफ़ी जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैंने एक स्केलर PCB लिया है TV सर्किट का, TV का। तो इसमें आप देख रहे हैं, मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे इस प्रकार से CKV लाइंस रहते हैं जिसको ज़्यादातर कटिंग करना रहता है। तो ये बहुत बारीक ट्रैक रहते हैं तो कटिंग करने में सावधानी से करना होता है। तो इस प्रकार से अगर माइक्रोस्कोप के ऊपर आप कर रहे हैं तो ये मैं आपको लाइव कटिंग करके दिखाता हूँ कि कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रैक दिख रहे हैं, देखिए ये सारे ट्रैक्स जो है कितने बड़े दिख रहे हैं। तो अगर सीके कट करना है तो यहाँ से आप इजीली ऐसे इस प्रकार से आप बहुत इजीली कट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ट्रैक काटना है तो फट से आप इजीली काट सकते हैं। अगर यहाँ पे वापस इसको सोल्डर करना है तो यही माइक्रोस्कोप व्यू के ऊपर देखते देखते आप इजीली यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है काम करना। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी इसमें इस प्रकार के छोटे काम के लिए कंफर्टेबल है। ये माइक्रोस्कोप जो है इसमें हम पैनल का जो ग्लास ट्रैक्स रहते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये माइक्रोस्कोप को हमने यहाँ पे हैंग करके रखा हुआ है। ये XY डायरेक्शन वाला एक असेंबली है जो हमने, हमारा जो बॉन्डिंग मशीन है KD891 वर्जन 2, उसके पीछे यहाँ पे XY डायरेक्शन असेंबली लगाया हुआ है जिससे कि माइक्रोस्कोप है वो कहीं पे भी घूम सकता है और अगर बड़ा पैनल है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। तो इसको हम ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। इसके ऊपर पैनल के ट्रैक्स वगैरह, कॉफ के ट्रैक्स है, वो सारा कुछ जो है हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉफ के ट्रैक्स हैं, जहाँ पे बॉन्डिंग हुआ है वो वाले कॉफ के ट्रैक हैं। तो इसको भी हम बहुत क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। कॉफ क्लीनिंग करना वगैरह या तो PCB वर्क भी यहाँ पे भी हो सकता है, PCB वर्क। तो इस प्रकार से अगर इसको हैंग करके रखा है तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे ये CKV ट्रैक्स जो ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए ये कंफर्टेबल हो जाता है, सारा ट्रैक्स जो है वो क्लियरली हम देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो PCB वर्क या तो पैनल वर्क के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है।